अभी तक जैसे तैसे मैं रिंग के 6 पीसेस लेकर आ चुका हूँ और आज बारी है 7th पोर्टल की, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। गाइस पोर्टल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको तो हम सभी लोग जानते हैं बट मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। गाइस ये देखो, ये है मलक, और मलक और बियर्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। और गाइस जिस बंदे को मैं अगाथा का डैडी बोल रहा था, जो हर बार हमें मारना चाह रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि मलक ही है। बट वो इस जगह पर नहीं आ सकता, यहाँ पर उसकी सिर्फ एक आंख ही है। ओके तो बहुत ज्यादा बात हो गई, अब चलते अपने पोर्टल में, लेट्स गो। और राइट गाइस, हमारे आज के टास्क का नाम है मैस्कॉट मेहम, और अभी मैं डिज्नीलैंड में आ चुका हूँ क्या। गाइस सामने देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कासल है जो दिखने में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। भाई ये जगह कितनी ज्यादा हॉरर है। ओ भाई साहब, हमारे आने की खुशी में यहाँ पे रॉकेट भी फोड़ रहे हैं। और गाइस ये कासल सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, इसके अंदर जो होने वाला है वो आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो। ओके तो इस जगह का नाम है जॉय जॉय लैंड, और यहाँ पे एक रैबिट, एक चिकन और एक पिग भी बन रखा है, पता नहीं क्या। लेट्स गो कासल के अंदर चलते हैं। ओ वेट, ये गेट तो बंद है, मुझे यहाँ से नहीं जाना क्या। आई थिंक गाइस जो रास्ता राइट साइड में जा रहा है, मुझे वहां से जाना है। लेट्स गो, चल के देखते हैं, बस अचानक से कोई ना आ जाए, पता चल रहा है भाई अभी से ही भगा रहे हैं। और गाइस मेरे पास आज भी एक बहुत मस्त एबिलिटी है जिससे मैं कुछ देर के लिए इनविजिबल हो सकता हूं, और वो आज हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इस कासल में जगह जगह पर बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं, और अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो लेजर एक्टिवेट कर देंगे और मैं वहीं पे फंस जाऊंगा। लेट्स गो, फिलहाल इस कासल की एंट्रेंस आ चुकी है, और जैसा मैंने बोला था यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे पास इनविजिबल होने की एबिलिटी है। और गाइस ये चीज देखो, अगर मैं इनविजिबल नहीं होऊंगा तो इसमें से लेजर्स लेंगी और मैं एक झटके में यहाँ पे मार दिया जाऊंगा। फिलहाल मेरे सामने मुझे मेरे शार्क दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये गेट, ओ भाई ये दोनों कौन लोग हैं? अबे ये जिंदा है। लकी द रैबिट, पेनी द चिकन, और इसका नाम है पेनी द चिकन, ये दोनों जिंदा है। भाई पता नहीं कौन लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। और गाइस पीछे देखो, यहाँ पर इन दोनों के सिवा एक तीसरा नमूना भी है जो अभी यहाँ पर नहीं है, और डांस क्यों करने लग गए, कितना घटिया डांस कर रहे हैं भाई ये। गाइस इनका तो यहाँ पे डांस ही नहीं खत्म हो रहा, ऊपर से गाना भी गा रहे हैं, एक बकवास सा। एक काम करो, उस पिक को भी बुला लो, उसी की कमी है। ओके फाइनली इनका गाना तो खत्म हुआ, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, वो तो चलो फिर भी शांत है। अबे मेरा डायलॉग क्यों बोल रहा है। ओके ये हंसी नॉर्मल नहीं थी, और अभी शायद से ये एंट्रेंस खुल चुकी है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लेट्स गो गाइस, मेरे सामने मुझे शार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और इस बार मुझे टोटल 181 शार्ट्स चाहिए। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं शार्ट्स कलेक्ट करना, और अभी मेरे पास बहुत ज्यादा तगड़ा एडवांटेज है, लेकिन सामने कैमरा लगा हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इनविजिबल हो जाता हूँ, अभी मैं बहुत सही यूज कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे ये आ गई, मुझे स्पीड बूस्ट एक्टिवेट करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, वैसे वो मेरे को देख नहीं सकती, बट फिर भी यार मेरे को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एक काम करता हूँ गाइस, कहीं पे जाके मैं अपनी मैग्नेटिक वाली एबिलिटी यूज कर लेता हूँ। ये वापस से आ गई, रुको मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके मैं अभी कैमरा में भी आ चुका हूँ, सामने से ही आ गया। भाई ये क्या सीन है, ओ भाई ये स्पीड बूस्ट एक्टिवेट कर सकता है। भाई मेरे को निकलना पड़ेगा, रुक जाओ मेरी एबिलिटी, भाई मैं भागते भागते कैसे एबिलिटी, रुक जाओ। ओके मैं अभी इनविजिबल हो चुका हूँ, भाई ये स्पीड बूस्ट कैसे यूज कर सकता है। खैर वो छोड़ो, फिलहाल अभी मैं शार्ट्स इकट्ठा करता हूँ। भाई वो रैबिट स्पीड बूस्ट यूज कर सकता है मेरी तरह, मतलब मेरी स्पीड बूस्ट की एबिलिटी यूजलेस है, और ये वापस से आ गई, इसने मेरे को देख लिया है। मेरी एबिलिटी इतनी जल्दी रिचार्ज नहीं होने वाली, मतलब मैं इस बार तो फंसूंगा बहुत बुरी तरीके से। अब तेरी क्या फेंक के मार दिया, रुक जा, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, स्पीड बूस्ट मेरे पास है, लेट्स गो। भाई क्या सीन, कैमरे में वापस से आ चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ये शार्ट्स भी साथ साथ इकट्ठे करने पड़ेंगे, अभी वो यहाँ पर नहीं। और भाई यहाँ पे किसी ने ऊपर से बम फेंक दिया है, ऊपर भी कोई है मतलब। अबे यार फिर से स्टन कर दिया, पीछे से एक और आ रही है, और इस बार बम मेरे मुंह पे फटेगा। बच गया भाई, बच गया, मेरे मुंह पे बम फटने वाला था। लेट्स गो, अभी फिलहाल भागते रहते हैं, मैं वापस से कैमरे में आ चुका हूँ, स्पीड बूस्ट एक्टिवेट करके आ गया। भाई अबे पंच ही पंच मार रहा है भाई, बॉक्सिंग कर रहा है मेरे साथ। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही डेंजरस था, अभी फिलहाल वापस से सामने कैमरा है, काम करता हूँ, वापस से इनविजिबल हो जाता हूँ जल्दी से। ओके भाई एक तो एबिलिटी सेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उस वजह से अगर मैं मर जाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा। फिलहाल सामने ये वाला शार्ट पड़ा हुआ है, और अभी मैं किसी भीड़ वाली जगह पर जाके, मतलब जहाँ पर बहुत सारे शार्ट्स होंगे, अपनी मैग्नेटिक वाली एबिलिटी यूज कर लूंगा। ओके यहाँ पर बहुत सारे शार्ट्स रखे हुए, ये मैं यूज कर लेता हूँ। भाई बहुत सारे शार्ट्स मैंने एक ही बारे में इकट्ठा कर लिए हैं, और ये वापस से आ चुकी है। ओके गाइस अभी मैंने अपने टैब में स्टन की एबिलिटी रख ली है, क्योंकि अभी ये आने वाली है। भाई ये ऊपर से भी कोई फेंक रहा है, लेट्स गो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, रुक जाओ। ये मैंने कर दिया सबको स्टन, और अभी ये स्टन हो चुके हैं। गाइस वो देखो ऊपर भी है, गाइस इन्होंने मेरे को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया, सामने कैमरा ने भी मुझे देख लिया है। ओके इनविजिबल हो जाता हूँ। ओके भाई बच गया, ये मेरे को किसी भी टाइम पे मार डालेंगे अगर मैं इनविजिबल नहीं हूँ तो। ओके गाइस तो अभी मेरे सामने बहुत सारे शार्ट्स रखे हुए हैं, इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, और अभी मैं शायद से कुछ देर के लिए इनविजिबल ही हूँ, तो ये कैमरा मुझे नहीं देख सकता। एक काम करता हूँ, उसके नीचे खड़ा हो जाता हूँ ना, तो ये मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन वो तो मुझे देख ही लेंगे। भाई भागना क्या कर रहा है। ओके भाई मैंने बहुत सारे शार्ट्स और इकट्ठा कर लिए। भाई ये कहाँ से बॉम्ब फेंक रहे हैं, वो ऊपर से खुद ही आ गई है इस बार तो। गाइस वो तो अच्छा है, मेरे पास इतनी सारी एबिलिटीज है, उससे मैं काफी ज्यादा इजीली अपना काम कर सकता हूँ, वरना भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता। अभी यहाँ पर बहुत सारे शार्ट्स मैंने और इकट्ठा कर लिए, बस 14 शार्ट्स और चाहिए। भाई ये तो बहुत ज्यादा सही है, अभी मैं स्पीड बूस्ट भी अपना टैब पे रख लेता हूँ। और अबे यार ये फिर से आ गई। गाइस लास्ट के 10 शार्ट्स बचे हुए, एक शार्ट मुझे यहाँ से मिल गया, और पीछे से कोई आ रहा है, मुझे उसकी फुट्स के बाद आ रही है। वो चिकन वहाँ पे खड़ी हुई थी, उसने मेरे को देख लिया, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास स्पीड बूस्ट है,
स्पीड बूस्ट से यहाँ से सिर्फ रैबिट भाग सकता है और अभी मुझे इसने वापस से देख लिया है। एक काम करता हूँ, इनको स्टन कर देता हूँ ना। ओके, अभी वो रैबिट स्टन हो चुका है। लास्ट के 5 शॉट बचे हैं और वो मेरे मैप में राइट साइड में, और अभी इनविजिबल हो जाता हूँ। तो बहुत ज्यादा इजिली मैंने सारे के सारे शॉट्स इकट्ठा कर लिए। 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5वां, और ये गेट खुल चुका है और शायद से अभी यहाँ से सारे के सारे मॉन्स्टर्स जा चुके हैं। सीसीटीवी भी डीएक्टिवेट हो चुके हैं। लेट्स गो। इस बार मैंने बहुत ज्यादा इजीली अपने शार्ट्स इकट्ठा कर लिया और अभी मैं किसी दूसरी जगह पर आ चुका हूँ। और ये तो भाई कुछ अलग ही एंट्रेंस लग रही है यार। मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ, मैं यहाँ से आया तो नहीं था। लेट्स गो, अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अंदर ही जाना पड़ेगा। और सामने लेजर्स लगी हुई है और यहाँ पर ये वापस से आ चुका है। गाइस, अभी ये गुस्सा हो चुका है। ओ वेट, क्या हुआ? पीछे कोई है क्या? गेट पे बहुत जोर से तोड़ने की आवाज आ रही है। अबे भाई, इतने सारे चिकन कहाँ से आ गए? भाई तो बहुत सारे। एक काम करता हूँ, स्पीड, अबे स्पीड बूस्ट दबाना था मेरे को भाई। स्पीड बूस्ट का, लेट्स गो, अभी चलता हूँ भाई। आ जाओ भाई। ये तो मैंने बहुत जल्दी स्केप नहीं भाई, मैंने इतनी जल्दी स्केप नहीं करा। यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ? ये एंट्रेंस खुल चुकी है, शायद से मुझे इसी के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे गेट बंद हो चुका है, शायद से मुझे यहाँ पर आना है। एलिवेटर, ओके, तो मैं किसी एलिवेटर में आ चुका हूँ। लेकिन गाइस ये देखो, यहाँ पर इतने सारे लोग भाई, एक एक करके इन्होंने बहुत ज़्यादा भीड़ लगा दिया आगे। और अभी मेरे पास पीछे जाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं। वैसे गाइस, यहाँ से सीधा उस पार मेरा पोर्टल है, लेकिन अभी तक मैंने रिंग का पीस नहीं लिया है, तो शायद से मुझे अभी रिंग का पीस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। फिलहाल मैंने एलिवेटर का बटन दबा दिया है और ये आ चुका है मेन रैबिट। नहीं, मैं एलिवेटर से नहीं निकल रहा। क्या पता एलिवेटर चला जाए, मैं यहाँ पे रुक जाऊँ और ये मेरे को मार डाले। गाइस अभी ये मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा है। भाई एलिवेटर चलना। ओके, तो अभी एलिवेटर शायद से स्टार्ट हो चुका है। अभी सामने का गेट खुल चुका है, शायद से मुझे इसके अंदर जाना है और ये वाला बटन दबाना है। ओके गाइस, भाई इसने मुझे अभी से ही वार्निंग दे दी है कि कुछ तो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और इतना तो मुझे भी पता है कि ये मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, मुझे नीचे जाके ये दोबारा मिलने ही वाला है। वैसे गाइस, इन तीनों नमूनों में से एक पिग मैंने अभी तक नहीं देखा। ओके गाइस, तो मैं बहुत देर से इस लिफ्ट में खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं मेरे को कहाँ इतना अंडरग्राउंड लेकर जा रहे हैं, अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ और अभी भी पता नहीं कितना रास्ता बाकी है। नीचे मैं कुछ देख नहीं सकता। ओके, शायद से मैं आ चुका हूँ अपनी मेन जगह पर। लेट्स गो, ये गेट खोल दो और सामने लिखा हुआ है सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर। आई थिंक मुझे यहीं पे जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ गेट्स हैं, इनको मैं नहीं खोल सकता। नहीं गाइस, वो वाले गेट मैं नहीं खोल सकता, बट मेरे सामने ये वाला डोर है और इसको मैं खोल सकता हूँ। भाई ये क्या अलग ही जगह बना रखी है यहाँ पर। सिस्टम इज ऑफलाइन, जोन 3 एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, रिकवर पावर इन जोन 2, पता नहीं क्या क्या था। गाइस वो सब छोड़ो, यहाँ पे नजर डालो, ये कितना बड़ा कंट्रोल सेंटर यहाँ पे बना रखा है। और सामने है मेरा रिंग ऑल्टर, जिसमें से मुझे रिंग का पीस मिलेगा, बट शायद से उसको लेने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। कलेक्ट ऑल सोल शार्ट्स टू ब्रेक द रिंग बैरियर। ओके, तो मुझे और शार्ट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन गाइस ये देखो भाई, ये कितना ज्यादा हाईटेक है। यहाँ पे लिखा है रिबूट पावर, मुझे पावर वापस से जनरेट करनी पड़ेगी। ओके, पावर तो मैं वापस से जनरेट कर दूंगा, लेकिन ये पोस्टर देखो, एक बार ये ब्लू होता है और एक बार ही रेड होता है, और रेड में पता चलता है आखिरकार ये तीनों असलियत में कौन है। ये देखो भाई, ये अजीब से ही मॉन्स्टर्स है। फिलहाल अभी मेरे को यहाँ पे पावर जनरेट करनी है। यहाँ पर 3 जोन है, Zone 3, Zone 2 और सामने है Zone 1। और जहां तक मुझे वो अनाउंसमेंट याद है, उसमें बोला था कि Zone 2 में मुझे पावर जनरेट करनी पड़ेगी। लेकिन एक बारी मैं एक एक करके सारे डोर चेक करता हूँ। लेट्स गो। ओके, मैं इसमें नहीं जा सकता, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, नो एंट्री। कोई बात नहीं, चलते हैं Zone 2 की तरफ। और ये गेट खुल चुका है। भाई ये तो अजीब ही कुछ जगह है, रिसर्च प्लस डेवलपमेंट Zone 2। ओके, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अबे ये रहा वो तीसरा नमूना, और इसकी हालत इतनी अजीब क्यों लग रही है भाई? कम क्लोजर, मैं तो दूर जा रहा हूँ। दूर से ही बोल जो बोलना है। यू लुक डिलीशियस, भाई ये मेरे को खाना चाहता है। ये उन दोनों से भी अजीब है भाई, ये मेरे को खाना चाहता है। और अभी ये भी गायब हो चुका है, मतलब तीनों के तीनों ये बेवकूफ मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और अभी मेरे सामने जो डोर है, इसको भी खोलता हूँ और मुझे वापस से शार्ट्स लेने हैं। और इस बार मुझे टोटल 170 शार्ट्स चाहिए। लेट्स गो। मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्टे जॉयफुल। भाई चीजें तो अच्छी अच्छी लिखी है, लेकिन इसके अंदर जो होता है वो तो मुझे ही पता है ना भाई। ये क्या है? अभी तो ये ऊपर था और इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गया मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि ये अभी भाग क्यों गया। गाइस इसको मुझे मारना था तो ये भाग क्यों गया यहाँ से? खैर वो छोड़ो, अभी मैं यहाँ से जा चुका है, वो बहुत ज्यादा सही चीज है। अभी मैं अपना टैब ओपन कर लेता हूँ। मेरे सामने बहुत सारे शार्ट्स हैं। और ये गेट भाई इतने जोर से क्यों खुल रहा है? मुझे किसी की आवाज क्यों आ रही है? यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो पिग आ रहा है। भाई ये क्या? अबे ये कहाँ से आ गया भाई? अभी मैं यहाँ पे आया था और ये दीवार तोड़ के यहाँ पे अबे फंस क्यों गया? गाइस मुझे भागते रहना चाहिए। अभी मैं दूसरी साइड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे वो पिग ना आ जाए। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे शार्ट्स रखे हुए हैं। एक काम करता हूँ, अपनी मैग्नेटिक वाली एबिलिटी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। लेट्स गो। क्यू दबाता हूँ और मैंने बहुत सारे शार्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं। बस भाई मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, इनकी रेंज से मुझे बाहर रहना पड़ेगा। अबे उधर देख ले भाई। ओके, अभी मैं इसके नीचे आ चुका हूँ। अभी ये जस्ट इस साइड देखेगा और मैं आगे से चला जाऊंगा। मुझे आवाज आ रही है उसकी यार सामने से। अबे मैं कैमरे में डिटेक्ट हो चुका हूँ। भाई ये भी आ गया।
वो स्पीड बूस्ट एक्टिवेट कर सकता है, वो दीवार तोड़ के आ सकता है। भाई कैसे करूं फिर मैं? गाइस लेफ्ट साइड में बहुत सारे शार्ट्स रखे हुए हैं और इस बार मैं इस गेट को बिना खोले यहाँ से सारे के सारे शार्ट्स ले लेता हूँ। लेट्स गो। अभी मैंने बहुत सारे शार्ट्स तो ले लिए हैं, वो इस साइड से आया था, मैं निकल रहा हूँ भाई। अबे यहाँ तो दीवार है भाई, पता नहीं कुछ अजीब सीन। और गाइस ये देखो, ये है मलक जिसकी मैं बात कर रहा था। और बेसिकली गाइस ये इन सब का हेड है या फिर मास्टर जो इनसे ये सब काम करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे रोकने के लिए, क्योंकि मैं बियर्स के लिए वो रिंग की पीस लेकर जा रहा हूँ और ये नहीं चाहता। भाई वे पीछे से आ गया, भाई ये भाग कर आ रहा है, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। एक काम करता हूँ, ब्लाइंड हो जाता हूँ। ओके मैं ब्लाइंड, अबे मैं ब्लाइंड हूँ फिर कैसे मेरे पीछे पड़ा हुआ है? गेट खोलो भाई, ये क्या सीन है? ओके मैंने अभी अपने टैब में स्पीड बूस्ट रखी लिया, भाई किसी भी टाइम ये काम आ सकता है, क्योंकि वो भाई दीवार तोड़ के अचानक से आता है। भाई मैं उसी की बात कर रहा था और अभी वो वापस से आ चुका है। सामने एक और गेट टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ शार्ट्स रखे हुए हैं, मुझे सामने से उसकी आवाज आ रही है वापस से। ओके गाइस तो अभी मैंने अपने टैब पे स्टन की एबिलिटी रख ली, अभी वो अचानक से आएगा तो मैं उसको सीधा स्टन कर दूंगा। वो यहाँ पर है भाई, ये रैबिट है, मुझे लगा वो पिगा यहाँ पर, और अभी शायद से ये स्टन नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको करा नहीं था। स्पीड बूस्ट एक्टिवेट करूँ भाई क्या? गाइस इसका मतलब मुझे दीवारों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। इस दीवार से तो सेफ हूँ ना भाई, यहाँ पे भी सेफ नहीं हूँ। ओके मेरे सामने बहुत सारे शार्ट्स रखे हुए, काम कर तो स्टन कर देता हूँ। ओके अभी वो स्टन हो चुका है, लेट्स गो। स्पीड बूस्ट जब तक एक्टिवेटेड है तब तक यहाँ से निकलते हैं, और इसके आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने इस साइड के शार्ट्स इकट्ठा नहीं करे हैं। और अभी यहाँ पे बहुत सारे शार्ट्स और बचे हुए हैं, बस वो सामने से ना जाए। और गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पे हर दीवार पे जॉय 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 लिखा हुआ है। मेरी स्टन वाली एबिलिटी वापस से आ जाओ यार प्लीज, मैं इस साइड नहीं जा सकता, मुझे जाना उसी साइड है। और गाइस मैं आपको ये दिखा रहा था, देखो यहाँ पर ही चिकन है। इस बार वो दोनों मेरे को मार रहे हैं, तो ये यहाँ पे खड़ी हुई है और उस पिक की मुझे बहुत ज्यादा क्लोज से आवाज आ रही है। मैंने अपना स्टन रेडी रखा हुआ है, मुझे दीवारों से दूर रहना है। ओके वो जस्ट मेरे सामने आने वाला है। ओ गाइस ये यहाँ पर आ चुका है, ले तेरी। अभी मैंने उसको स्टन कर दिया, क्या मैं यहाँ से निकल सकता हूँ? ओके भाई मैं बच के भाग गया उसके साइड में से। अभी भाई किसी वेयर हाउस में आ चुका हूँ मैं, लेट्स गो। भी फिलहाल मेरे को भाग के रहना चाहिए भाई, ये बहुत ज्यादा बड़ी फैक्ट्री बना रखी है इन्होंने। ओके अभी मैंने यहाँ पे सबको स्टन कर दिया, लेकिन कैमरे में मैं रिवील हो चुका हूँ और अभी मुझे बस दीवारों के पास नहीं रहना। ओ भाई इस बार तो मैं फंस गया, यहाँ पर इससे पिग आ रहा है और सामने से मैं कैमरा में फिर से रिवील हो जाऊंगा। अबे ये एक पिग नहीं है, बहुत सारे हैं, ऊपर से रैबिट भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ओके गाइस तो अब मुझे सिर्फ 24 शॉट्स चाहिए और अभी शायद से मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सेफ हूँ। नहीं यार मैं सेफ नहीं हूँ, स्टन कर देता हूँ। ओके अभी अपनी मैग्नेटिक वाली एबिलिटी निकालता हूँ और यहाँ पे मैं वापस से रिवील हो चुका हूँ। और गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी है, हैंगरी जो पिग है वो बहुत देर भागने के बाद थक जाता है, इसका मतलब अगर मैं उसे भगाता रहूँ तो वो कुछ देर के लिए मुझे छोड़ देगा। और गाइस मेरा लास्ट शॉट जस्ट मेरे सामने है और ये मैंने कलेक्ट कर लिया, और अभी अभी सारे के सारे मॉन्स्टर गायब हो चुके हैं, मतलब मैं अभी सेफ हूँ। गाइस अच्छा है, सारे के सारे शॉट्स देने के बाद सारे के सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं, वरना वो मेरे जस्ट सामने था और इस बार वो मुझे बहुत बुरी तरीके से मारता। ओके फिलहाल अभी मुझे आगे जाना है। और गाइस ये देखो, ये वही वाला वेयर हाउस है जहाँ पे हम पहले आए थे। अभी सारे के सारे कैमरा डीएक्टिवेट नहीं यार, ये एक्टिवेटेड ही है अभी भी, लेकिन अभी मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। भाई क्या है, अब तो छोड़ देना। वैसे गाइस यहाँ पर वो चिकन अभी भी खड़ा हुआ है जो उस टाइम था, ये यहाँ से नहीं गई, लेकिन कोई बात नहीं, हमें डैमेज भी नहीं कर रही तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल अभी मुझे जाना है यहाँ पर। ओके गाइस तो मुझे पावर रिस्टोर करनी थी और अभी वो मुझे यहाँ से करनी है, लेट्स गो। ओ भाई ये तीनों वापस आ चुके हैं और इन्होंने पैर रखा हुआ है एक वायर पे। ओके मैंने यहाँ से बटन ऑन कर दिया है और ये तीनों, भाई साहब ये बहुत ज्यादा सही हुआ इनके साथ, तब से मेरे पीछे पड़े हुए थे और अभी इनकी हालत बुरी कर दी है। भाई इनकी आंखें देखो एक बारी, really कुछ अजीब ही लग रहे हैं। अभी फिलहाल मैं सामने से तो नहीं जाने वाला, एक काम करता हूँ इस साइड से निकल जाता हूँ, एक बार इनकी हालत देखो। अच्छा हुआ भाई तुम्हारे साथ, लेट्स गो। अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे को जो काम करना था वो मैंने कर दिया है। और कैसे अभी मुझे वापस वहीं पे जाना है जहाँ पे इतना बड़ा कंट्रोल सेंटर था, और शायद से मैं वापस वहाँ पे पहुंच चुका हूँ। ये वाला गेट खोल के देखते हैं, लेट्स गो। पावर ऑनलाइन, ओके मैं इस जोन में पावर वापस लेकर आ चुका हूँ और अभी मेरा रिंग का पीस मुझे नहीं मिल रहा है। अभी और कितनी चीजें कराओगे यार? अभी तो मैंने यार दो बारी शार्ट से इकट्ठा कर लिए, अब कितनी चीजें बाकी रह गई है? यहाँ पे लिखा है लेवल 3 एक्सेस ग्रांटेड। गाइस जोन 1 से मैं आया था, जोन 2 में मैं अभी अभी जाकर आया हूँ और अब शायद से बारी है जोन 3 की। लेट्स गो एक बार इसके अंदर चल के देख लेते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए। और अब ये गेट खुल चुका है, पहले ये गेट खुल नहीं रहा था। और यहाँ पर है प्रोडक्शन फैक्ट्री जोन 3, लेट्स गो चलते हैं। मुझे यहाँ पे जाना है क्या? यहाँ पर भी एक एलिवेटर है, लेट्स गो इसके अंदर चलते हैं। ये बटन मैंने दबा दिया है। ओके गाइस मैं एलिवेटर में वापस से आ चुका हूँ और ये मुझे फिर से अंडरग्राउंड लेके जा रहे हैं। ओके अभी मैं पहुंच चुका हूँ एक और जगह पर और ये कुछ अलग लग रही है मेरे को, पहली बारी से काफी ज्यादा अलग लग रही है। ओके भाई ये कितना ज्यादा बड़ा एरिया, ओ तेरी ये क्या चीज है। ओके गाइस तो ये बेसिकली टॉयज है जिनको इधर से उधर लेके जाया जा रहा है। भाई ये मेरे को ना लग जाए, कहीं पता चल रहा है मेरा गेम एंड हो जाए। भाई बच गया, लेट्स गो, ये तो बहुत ज्यादा इजी था। और सामने एक और पोस्टर लगा हुआ है जॉय जॉय लैंड का, और भाई ये कितना ज्यादा गहरा है। अनऑथराइज्ड, पता नहीं क्या अनाउंसमेंट हुई बट इतना पता है कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। वैसे गाइस मेरे सामने एक ही रास्ता है, शायद से मुझे इसके ऊपर जाना चाहिए। लेट्स गो भाग के चलते हैं, पता नहीं यार कितनी सारी चीजें करवाएंगे इस बार रिंग का पीस लेने के लिए, मेरे से बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं। और यहाँ पर एक और रास्ता और सामने शार्ट्स, भाई कितने शार्ट्स इकट्ठा करवाएंगे। और इस जोन में मुझे 150 शार्ट्स चाहिए, वैसे ये ज्यादा तो नहीं है, मैं कर तो लूंगा बट फिर भी यार कितनी बार मैं शार्ट्स इकट्ठा करूं। लेट्स गो एक काम करता हूं, जल्दी से शार्ट्स इकट्ठा कर लेता हूं क्योंकि मैं किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। लेट्स गो, काफी सारे शार्ट्स तो यहीं पे रखे हुए हैं। एक काम करता हूं ना, अपनी मैग्नेटिक वाली एबिलिटी से
अबे मेरे को लगा था सारे के सारे शार्ट्स आ जाएंगे, लेकिन इस साइड थोड़े से शार्ट्स छूट चुके हैं। लेट्स गो, यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं। भाई बहुत सही है ये वाली एबिलिटी, मेरी बहुत ज्यादा काम आती है। वैसे गाइस ये चीज कुछ है, यहाँ पर एक लीवर है जिसको अभी मैं ऑन नहीं कर सकता, बट शायद से आगे जाके ये कुछ काम आने वाली है। ये कुछ मशीन रखी हुई है जो बहुत ज्यादा हैवी लग रही है। गाइस यहाँ पर एक और मशीन रखी हुई है, लेकिन ये उस वाली से डिफरेंट है। खैर वो चीज बाद में देखी जाएगी, फिलहाल अभी ये वाला गेट खोलते हैं। और भाई ये तीनों वापस से आ गए, इनको तो मैंने वहां पे जला दिया था। ओ तेरी, मैंने इसकी आंख निकाल दी। और अभी ये तीनों ही गुस्सा है क्योंकि मैंने इन तीनों को करंट लगाया था, मतलब अपनी बहुत बुरी तरीके से वाट लगने वाली है। और वो आ चुके हैं। भाई मैं उल्टा क्यों भाग रहा हूँ, लेट्स गो। अबे यार मैंने मैग्नेटिक वाली एबिलिटी रख रखी है, मुझे स्पीड बूस्ट एक्टिवेट करना है। भाई स्पीड बूस्ट, लेट्स गो। अभी आ चुका है स्पीड बूस्ट और मैग्नेटिक वाली एबिलिटी आती है। भाई मेरे पास एक साथ बहुत सारे शार्ट्स आ जाएंगे, लेट्स गो। भाई कितने सारे शार्ट्स मैंने एक ही बारी में इकट्ठा कर लिया है। भाई अब मुझे सिर्फ 80 शार्ट्स और चाहिए, लेट्स गो। ये तो बहुत ज्यादा सही है, बस मेरे को उनसे भागते रहना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी एबिलिटी वापस से आ चुकी है, 66 शार्ट्स और चाहिए। इस बार तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी शार्ट्स इकट्ठा कर लूंगा, एक और बार यूज करते हैं। भाई बहुत ज्यादा सही है गाइस। वैसे ये जो रैबिट है वो भी स्पीड बूस्ट एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए सही है। फिलहाल 30 शार्ट्स और चाहिए। एक शार्ट मैंने गलती से यहाँ पे छोड़ दिया था, अभी चलते हैं राइट साइड में। और इस साइड के मैंने सारे के सारे शार्ट्स ले लिए हैं, बस लास्ट के 24 शार्ट्स और चाहिए और वो मुझे इस साइड मिलेंगे। ओके मैं कैमरा में डिटेन हो चुका हूँ। भाई कैमरा में दिखते ही सामने से आ गया स्पीड बूस्ट एक्टिवेट करके। गाइस अगर इन तीनों में से मुझे कोई भी देख रहा है तो ये जाके सीधे लक्की को बता रहे हैं कि ये यहाँ पर है, मतलब लक्की इनका मेन बॉस है। लक्की मतलब वो रैबिट। और यहाँ पर कुछ शार्ट्स रखे हुए हैं, ये भी मैं जल्दी से उठा लेता हूँ। ओके लास्ट के 6 शार्ट्स बचे हुए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और सारे के सारे यहीं पे यार। ओके मैंने सारे के सारे शार्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं। भाई ये तो बहुत ज्यादा इजी था, अभी मैंने वो रिंग बैरियर तोड़ दिया और ये कैमरा मेरे को बार बार सेंसर करे जा रहा है। एक सेकंड, ओए भाई भाई सीधा मलक मेरे पीछे पड़ गया, इसको मैं स्टन भी नहीं कर सकता। अभी मेरे पीछे इनका हेड पड़ चुका है जो है मलक, और भाई इससे भागना इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला, क्योंकि इसको मैं ना ही स्टन कर सकता हूँ ना ही इससे ब्लाइंड हो सकता हूँ, और इसको मेरी किसी भी एबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है आगे जाके, और उसके बाद अपना काम डन हो जाएगा। वो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है मेरे पास और अभी मैं आ चुका हूँ। भाई क्या करना है, ओके शायद से ये बटन दबाना है। भाई मैंने बटन दबा दिया, क्या हुआ गाइस, मैंने वो बटन तो दबा दिया लेकिन अभी यहाँ पे मैं फिर से फंस गया हूँ, क्योंकि मलक मेरे जस्ट पीछे है और ये कैमरा भी भाई बार बार मेरी लोकेशन बताते जा रहा है। गाइस मैं मलक से इनविजिबल तक नहीं हो सकता, उस पे किसी भी एबिलिटी का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ओके मैं वापस आ चुका हूँ इसी रस्ते पे, मलक मेरे पीछे, शायद से मुझे यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। स्पीड बूस्ट एक्टिवेट कर लेते हैं, सामने मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है। लेट्स गो, मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। भाई क्या, ओके यहाँ पर एक और बटन है, लेट्स गो, क्रश पुश टू क्रश। और ये तीनों आ चुके भाई, इन तीनों को मैंने कितनी सही तरीके से क्रश कर दिया, इतना ज्यादा सही था। हाँ भाई मजा आ गया, तीनों के तीनों एक ही पीस में हो चुके हैं, मेरे को तो बड़ा मजा आया इनको क्रश करके। फाइनली ये तीनों मर गए भाई, इनको बिजली का झटका दिया, पता नहीं कहाँ काम आ रहा। और अब जाके ये लाइन पर आए, ये मशीन भाई बहुत ज्यादा तगड़ी है, इसने मेरी बहुत तगड़ी हेल्प करी। लेकिन मलक कहाँ पर गया, मलक भी पीछे से आ रहा था लेकिन अभी वो गायब हो चुका है। मेरा मैप मुझे दिखा रहा है मुझे इस साइड जाना चाहिए, लेट्स गो। तो इसी साइड जाके देखते हैं। गाइस मैं उस साइड जा रहा था और वो गेट बंद हो चुका है और मलक यहाँ पे अपने असली रूप में आ गया है। हाँ मैंने इनको मार दिया, क्यों अभी कुछ और करने वाला है क्या तू? वेट, ये कुछ तो अलग करने वाला है। भाई ये क्या कर रहा है, ऊपर से कुछ लेजर आई और ये तीनों गायब हो गए हैं। कंस्ट्रक्टिंग, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं भाई, ये इतना बड़ा क्या बना दिया इन्होंने। ओ तेरी, भाई ये उन तीनों को कंबाइन करके इसने इतनी बड़ी मशीन बना दी, और अब ये तीनों एक साथ हो चुके हैं, मतलब ये बहुत बुरी तरीके से मुझे मारने वाले हैं। अभी ये आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मुझे मारेंगे और मजे ले रहे हैं भाई ये। ओके एक काम करता हूँ, वापस से क्रश करके देखता हूँ। लेट्स गो, मैंने बटन दबा दिया लेकिन भाई भाई वो क्रश भी नहीं हुआ और इसने लेजर मार दी, ये पूरी की पूरी मशीन इसने पिघला दी। भाई कितनी स्ट्रॉन्ग लेजर है इसकी। गाइस मलक ने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बनाई है जिसको मैं डिस्ट्रॉय तक नहीं कर सकता हूँ। भाई साहब ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई यहाँ पे और कोई रास्ता भी नहीं है। भाई ये कुछ अटैक करने वाले, भाई साहब इसने अपनी लेजर से अटैक कर दिया। और अभी भाई मैं अगर इसके नीचे गलती से भी आ गया तो मैं बहुत बुरी तरीके से मर जाऊंगा। भाई टेलीपोर्ट, भाई का टेलीपोर्ट मारा, मैं लावा में गिरने वाला था। भाई साहब ये जंप भी कर सकता है और अभी वापस इसका लेजर अटैक आने वाला है। ओ भाई साहब ये वापस से मेरे पीछे भाग कर आया। ओ ये क्या फेंक के मारा इसने, अभी अभी मेरे साइड में से कुछ गया, शायद इसके पास कोई बॉल है। भाई कितनी लंबी जंप मार रहा है वो, तो अच्छा है मेरे पास एक टेलीपोर्ट है, वापस से इसका लेजर अटैक आने वाला है और मैं बच गया। गाइस मुझे कुछ तो करना पड़ेगा वरना ऐसे तो मैं भागते ही रह जाऊंगा। और ये जंप मार के वापस से पीछे आ चुका है, एक और बार इसकी लेजर अटैक आने वाली है। ओके गाइस यहां पर ये जो लीवर्स, ओके भाई मैं इन लीवर्स को डाउन करके शायद से कुछ कर सकता हूँ। एक लीवर मैंने डाउन कर दिया, शायद से मुझे और लीवर डाउन करना। टेलीपोर्ट, भाई क्या टेलीपोर्ट मारा है मैंने, मैं बार बार बच रहा हूँ टेलीपोर्ट की वजह से, वरना अभी तक तो मैं मर जाता। ओके मेरे सामने एक और लीवर है लेकिन शायद से वो यहाँ पे लेजर अटैक करने वाला है। ओके मैं सही था, उसने लेजर अटैक कर दिया। अभी यहाँ पे एक और वॉल है, इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ। नहीं 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 टेलीपोर्ट,
भाई इसके नीचे से निकल के मैं आ गया भाई साहब। भाई टेलीपोर्ट सबसे ज्यादा काम की चीज है, अभी मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ उसको। ओ भाई इसने मेरे को स्टन कर दिया भाई, शायद से जब अपना लेजर अटैक करेगा तब जाके मुझे लीवर डाउन करने हैं, वरना ऐसे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और अभी इसने लेजर अटैक अपना कर दिया। ओ भाई बच गया थोड़ा सा मैं, लेकिन यार मैं लीवर नहीं डाउन कर पाया और ये वापस से आ चुका है। इसको पता चल गया कि मैं जानता हूँ ये लीवर डाउन करने के बाद अपना काम हो जाएगा, लेकिन अभी मैं डाउन नहीं कर सकता, इसे बहुत ज्यादा डेंजरस है। अभी वो वहां पर जाके लेजर अपने अटैक कर रहा है और मैं जल्दी से जाके यहाँ पे दूसरा लीवर भी डाउन कर देता हूँ। लेट्स गो, मैंने दो लीवर डाउन कर दिया, अभी जंप मार के यहाँ पर आने वाला है। और लेट्स गो भाई टेलीपोर्ट कितना तगड़ा मारा है, और वापस इसका लेजर अटैक आने वाला है। ये वाली वॉल भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लेजर अटैक शायद से यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अभी मैं सेफ हूँ। ये थर्ड वॉल है जो मुझे नीचे करनी है, लेट्स गो। ओके मैंने तीन कर दिए और अभी वो वापस से आ चुका है, लेट्स गो गाइस। अब बस लास्ट वाला लीवर बचा हुआ है जिसको मुझे डाउन करना है, बस इसके लेजर अटैक करने का वेट करते हैं। ओ भाई कहीं पे इसने जंप मारी और ये मेरे पीछे आ गया, जस्ट जल्दी से अपना लेजर अटैक कर, मैं वहां पे जाऊंगा। ओके ये मुझे घूर रहा है, क्या अभी अपने लेजर अटैक करने वाला है। ओके भाई जंप भी मार के आ चुका है यहाँ पर, और अभी तो ये मेरे को किसी भी टाइम पे मार सकता है क्योंकि बीच में खड़ा हुआ है। टेलीपोर्ट रेडी रखता हूँ गाइस, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ ये वहीं पे आ जा रहा है। और अभी इसने वापस से अपने लेजर अटैक कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ पर ये ऑलरेडी खड़ा हुआ है। गाइस मुझे दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ेगा, अभी फिलहाल मैं उस लीवर के पास तो आ चुका हूँ लेकिन मैं उसको डाउन नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये जंप मारने वाला है। ये देखो भाई साहब ये किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ जाता है। ओके अभी वो अपनी लेजर अटैक कर रहा है, इसका मतलब यही मेरे पास टाइम है, टेलीपोर्ट करके जल्दी से ये वाली वॉल ओपन कर देते हैं। लेट्स गो जल्दी 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 जल्दी। ओके मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी भाई कुछ हुआ क्या? ओ भाई ये वापस यहाँ पे आ गया टेलीपोर्ट। लेट्स गो अभी शायद से वो वाली मशीन एक्टिवेट हो चुकी है, स्पीड बूस्ट। ओ भाई साहब अच्छा वो मेरा स्पीड बूस्ट टाइम पे आ गया, मैं कैसे कैसे बच रहा हूँ मुझे ही पता है। और शायद से ये वाला बटन मुझे दबाना है, बटन बटन बटन। ओके ये वाला बटन मैंने दबा दिया, कुछ हुआ क्या? ओ भाई साहब ये कुछ तो हो रहा है। और ओके 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 गाइस मैं समझ गया यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, मुझे बस इस मशीन की कवर में रहना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ओके 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 शायद से अब कुछ होने वाला, लेट्स गो। भाई इस मशीन ने उसको यहाँ पे नीचे फेंक दिया है और फाइनली ये मर चुका है। भाई इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। भाई मलग यहाँ पे आ चुका है और ये जगह अपने आप खत्म होने वाली, मुझे किस साइड जाना चाहिए? ये जगह अपने आप 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और शायद से इसका रास्ता यहीं पे है। भाई वो देखो मलग भी मेरे पीछे आया जा रहा है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और इन सबसे भी बचना पड़ेगा। लेट्स गो अभी फिलहाल मैं बच गया हूँ, यहाँ से आ गया टेलीपोर्ट। भाई क्या टेलीपोर्ट मारा मैंने और अभी मैं एलिवेटर में आ चुका हूँ। ओ भाई मैंने अभी बटन दबा दिया एलिवेटर का। ओके गाइस तो अब शायद से मैंने अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर दिया है और मुझे मेरा रिंग का पीस मिल जाना चाहिए। गेट खोल दो भाई प्लीज। ओके भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ अंदर जाके, लेकिन वापस आके उतना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेट्स गो अलार्म किस चीज का बज रहा है? ओके तो ये जगह अपने आप ही खत्म होने वाली है, मेरा रिंग का पीस मेरे जस्ट सामने है, इसको उठा लेता हूँ। लेट्स गो मुझे मेरा रिंग का पीस मिल चुका है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। जोन 1 जोन 3 सारे के सारे जोन बंद हो चुके हैं, भाई मैं लॉक हो चुका हूँ अंदर और ये डिस्प्ले कोई तोड़ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। और भाई ये फिर से आ गया, भाई ये मरने का ही नाम नहीं ले रहे, पता नहीं क्या सीन है। भाई मुझे पता नहीं कहाँ से जाना पड़ेगा, जोन 1 मेरे सामने है ये, भाई ये जोन 1 तो बंद पड़ा हुआ है और ये वापस से लेजर मार रहा है, शायद से जोन 2 खुला होगा। भाई जोन 2 भी बंद है, भाई जोन 3 भी बंद है, मुझे नहीं पता अभी क्या करना है। ओह यहाँ पर एक रास्ता है, इसके अंदर जाऊँ क्या? नहीं यार मैं यहाँ पे भी नहीं जा सकता। भाई ये गेट क्यों नहीं खुल रहे? गेट खोल दो यार, कोई और रास्ता है यहाँ पे? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी बिल्कुल भी। गाइस अभी ये अपना लेजर अटैक कर रहा है और गलती से भी मैं इसके सामने आ गया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं पता भाई मैं कितनी देर तक ऐसी भागता रहूंगा। और अभी यहाँ पे आ चुका है टेलीपोर्ट, भाई क्या सही टाइम पे मैंने टेलीपोर्ट मारा, लेकिन गाइस गलती भी मेरी थी, मैं उसके पास ही जा रहा था और अभी ये भाग के वापस इधर ही आ रहा है। भाई कब तक ऐसे भागता रहूं? वापस से लेजर अटैक प्लीज यहां मत करियो। भाई इसने यहीं पे कर दिया, भाई साहब यार कितना ज्यादा डेंजरस है ये सब। ये जगह 2 मिनट में खत्म होने वाली है और मुझे नहीं पता भाई मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। अरे भाई जाने दे यार, तू तो गुस्सा ही हो गया भाई साहब। टेलीपोर्ट गाइस ऐसे तो मैं गिव अप नहीं करने वाला। और शायद से मुझे आवाज आई, इट्स ओपन, शायद से ये वाला गेट ओपन हो चुका है। लेट्स गो भाई साहब मैं बाहर आ चुका हूं और अभी वो अंदर ही, जल्दी से मैं एलिवेटर के अंदर आ जाता हूँ। ओके ओके गाइस मैं वापस से आ चुका हूँ अपनी मेन जगह पर जहाँ से मैंने टास्क शुरू करा था और सामने ही मुझे मेरा पोर्टल दिखाई दे रहा है। अब मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्पीड बूस्ट दबा के यहाँ से निकलो। मलग मेरे पीछे आ चुका है, इतने सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं, टेलीपोर्ट भी मैंने मार दिया। लेट्स गो, अभी ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते। लेट्स गो, क्यों भाई ये फिर से क्यों आ गया? गाइस मेरे सामने मेरा पोर्टल है लेकिन ये वापस से आ चुका है। रैबिट ने मुझे पकड़ के एक मुक्का मारा, इसने भी एक मुक्का मारा, पिग ने भी। भाई ये सब मिलके मुझे बहुत ज्यादा मार रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड। ओके गाइस तो अभी हम वहीं पर अटके हुए हैं और मैंने अभी वहां से एस्केप नहीं करा है और वो हम करने वाले नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि मैं इस जगह पर हमेशा के लिए फंसा नहीं रह सकता। और गाइस आज हमारी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है और अब हम मलक के हाथों लग चुके हैं, तो शायद से अब निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पर जाकर मुझे फॉलो कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू सून।